तक पुलिस कार का नंबर तक नहीं पता कर पाई है। ये मंजर दिल दहला देने वाला, कार के बोनट पर बंधा है पुलिसकर्मी। जी हां, एक पुलिसकर्मी, और कार जिस तरह से चल रही है उससे साफ है कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है, बल्कि जानबूझकर की जा रही गुंडागर्दी। पुलिसकर्मी इसी तरह कार पर लटका रहा और कार चलाने वाला फर्राटे से कार भगाता रहा। करीब 5 किलोमीटर तक इसी तरह पुलिसकर्मी को घसीटने के बाद कार सवार बदमाशों ने जोर से ब्रेक मारा और फिर ब्रेक के झटके से ही पुलिसकर्मी जमीन पर गिरा। कार सवार बदमाश कार लेकर फरार हो गए। इन खौफनाक तस्वीरों और बेखौफ बदमाशों की हकीकत भी आपको बताते हैं। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में रविवार की रात एक पुलिसकर्मी ने एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार बदमाश ने कार रोकने की बजाय स्पीड बढ़ा दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुलिसकर्मी कार की बोनट पर लटक गया। कार चला रहा शख्स इतना बेखौफ था कि पुलिस वाले को करीब 5 किलोमीटर तक इसी तरह कार के बोनट पर घसीटता रहा। 5 किलोमीटर के बाद पटौदी चौक पर पुलिस वाले को ब्रेक मारकर गिरा दिया और कार लेकर फरार हो गया। हैरानी की बात है कि जब पुलिसकर्मी कार के बोनट पर लटका हुआ था तो ये कार गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी पुलिस थाने के सामने से भी गुजरी, लेकिन किसी पुलिसकर्मी ने कार पर ध्यान नहीं दिया। कल देर रात लगभग 11:30 बजे एक सफेद रंग की एक्सेंट गाड़ी आई, जिसको हम द्वारा रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने रोकने के बजाय उसको टक्कर मारी और जो कांस्टेबल है वो बोनट पर गिर गया और चालक जो है उसको काफी दूर तक जो है बोनट पर घसीटते हुए लेकर गया। इस खौफनाक वारदात में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये वारदात इसलिए भी चौंकाती है कि वारदात होने के बाद इतना समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस कार का नंबर तक पता नहीं लगा पाई। इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। पुलिस जल्द ही बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ड्यूटी करते वक्त ये जो क्रिमिनल है उस द्वारा इस जो इंसिडेंट को अंजाम दिया गया है, जिस संबंध में पुलिस जो है हर उसके लिए सक्षम है, और पीछे भी जो मामले हुए हैं उनमें भी गिरफ्तारियां की गई हैं और इसमें भी पहचान करके जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। गुरुग्राम में इस तरह की कोई पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी कई वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन उन सभी वारदातों में आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है ताकि उसे उसके किए की सजा दिलाई जा सके। इंडिया न्यूज के लिए गुरुग्राम से राज वर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद में हुड़दंग का एक